Hi students, myself Arati Ponda. Welcome to online high school classes. Mu aji first year ra jo first unit rahuchi ta upare kichhi mane tamananku kichhi idea de debi. First unit amra rahuchi physical world and measurement. फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फर्स्ट आम जानी व्हाट इज फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ स्टडी अबाउट मैटर एंड द नेचुरल फेनोमेनन फिजिक्स जानिबा पूर्वरु आमको फर्स्ट जानिया को पड़िबो साइंस कौन साइंस होची गोटे ब्रांच जो थे कि आम नेचुरल फेनोमेनन मैटर पदार्थ वस्तु गोटे आटम माने परमाणु से भितरे थिबा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एसबु विषय जानिबा को आम साइंस कहुचे साइंस रो डिफरेंट ब्रांचेस अच्छी से भितरे रहुचि तमर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एथरी पुणी दुईटी रहुचि जूलोजी बोटनी पुणी तापरे रहुचि तमरो मैथमेटिक्स ओके बायोलॉजी होची साइंस रो गोटे ब्रांच जो थरे कि आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म विषय रे आउ तमर ट्री बा लिविंग थिंग्स विषय पढ़ा सेटा होची तमर बायोलॉजी किंतु फिजिक्स होची गोटे ब्रांच जो थरे कि तुम नॉन लिविंग जिनस गुड़ाक विषय पढ़ फॉर एग्जांपल मैटर एनर्जी ओके फोर्स अच्छा ताहले एसबू जिनस गुड़ाक पढ़ा पूर्वर आम फास्ट जानवा कौन मैटर मैटर माने कौन मैटर माने हूँ गोटे पदार्थ सबू जिनसर ओन कैरेक्टरिस्टिक अच्छी ओन नेचर अच्छी से मैंने से विषय एक्सप्लेन करती सेमती आम फिजिक्स ब्रांच रे मैटर विषय पढ़ा मैटर कौन कैरेक्टरिस्टिक अच्छी ता लाइट पड़े कौन हम गोटे साउंड रो इफेक्ट मैटर उपरे कौन अच्छी एयर रो इफेक्ट कौन अच्छी ए सबू जिनस आम फिजिक्स रे पढ़ा तापर पुणी रहिला तमर एनर्जी डिफरेंट टाइप्स रो एनर्जी रहुचि फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी ओके डिफरेंट टाइप्स हीट एनर्जी एमती डिफरेंट एनर्जी रहुचि से विषय आम पढ़ा फिजिक्स रे तापर रहिला तमर फोर्स फोर्स माने फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स ओके ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स दैट्स टू पुणी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से सब विषय आम पढ़ा एथरे फिजिक्स रे तो फिजिक्स रो फर्स्ट ईयर रो फर्स्ट यूनिट हूँ तुम्हारा यूनिट वन हूँ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट अच्छा फर्स्ट आम जानवा फिजिकल वर्ल्ड कौन ओके फिजिकल वर्ल्ड रे तमरो सबुठु फिजिक्स रे तमरो सबुठु छोटो जोटा वस्तुटा बा छोटो एलिमेंट होउचि तमरो आटम छोटो एलिमेंट कौन सबुठु छोटो एलिमेंट सेटा होउचि आटम से आटम भितरे रहुचि कौन कौन न्यूक्लियस देन रहुचि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का क्या को नहीं की या प्रोटोन आउ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस चारिपट इलेक्ट्रॉन सब बड़े रिवॉल्व करता है यहाँ आम टेन्थ रु पढ़ीचे टेन्थ रु आम ए विषय जाणीचे अच्छा फिजिक्स रो डिफरेंट टाइप्स रो फोर्स जानिया पूर्वर आमर फिजिक्स रे केतटा ब्रांच अच्छी फास्ट जानिबा फिजिक्स रे आमर डिफरेंट टाइप्स रो ब्रांच अच्छी
कौन कौन से गुड़ा कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक माने जो थे कि आम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एसबू विषय पढ़ा से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छी मोशन मोशन माने ग्रेविटेशनल मोशन काइनेटिक मोशन डिफरेंट टाइप्स रो जो मोशन गुड़ाक रोचे से विषय आम पढ़ा यही फिजिक्स तुम रोचे इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक माने स्टैटिक माने होची रेस्ट इलेक्ट्रो माने होची चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट देन द स्टडी अबाउट फिजिक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनामिक्स माने मोशन इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज जितेबले चार्जटा मोशन रे रहिबो सेतेबले जदि आमे ताकु पढ़िबा सेटा होची तमरो इलेक्ट्रोडायनामिक्स सेमते तमरो रहुची एस्ट्रोफिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स एमती क्लासिकल मेकानिक्स एमती तुम डिफरेंट टाइप्स रो ब्रांच रोचे फिजिक्स रे से गुड़ा को पढ़ा पूर्व आम आउ गोटे फास्ट जिनस जानिबा कॉन्सेप्ट फिजिक्स को जानिबा पाई तुमको किछि ट्रिक दरकार फिजिक्स को जानिबा पाई फिजिक्स को बुझिबा पाई किछि ट्रिक दरकार फॉर एग्जांपल सपोज थ्योरी रे तुम जानिच गोटे बॉडी शून्य रु पड़ुछी बा गच्छ रु फलटे पड़ुछी आम समस्ते टेन्थ रे पढ़ीचे जे जदि गच्छ रु गोटे फलटे पड़ुछी सेटा कार इफेक्ट रे पड़ुछी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने माध्याकर्षण शक्ति कहार अछि सेटा पृथ्वी रे अछि सेथिपई ता द्वारा इफेक्ट है गच्छर फलटा तलकू खसुचे से जाचे किंतु आम जदि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करवा जामें गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पाई कार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो ओके हेले जदि आम जेकोसी गोटे नेचुरल फेनोमेना को एक्सपेरिमेंटली जदि प्रूफ करे एक्सपेरिमेंटली जदि तार डाटा आम जापे जदि से फेनोमेनाटा को एक्सपेरिमेंटली बुझिपारे आम फिजिक्स पढ़वाटा जस्टिफाइड हम फिजिक्स जिनसटा को फर्स्ट आम बुझापाई पड़ो सेमती फर्स्ट थ्योरिटिकल नॉलेज केमती जानवे मुझे विषय कहीदेली बर्तमान प्रॉब्लमेटिक नॉलेज माने जनरली आमर फिजिक्स रे डिफरेंट टाइप्स रो प्रॉब्लम आसे जो गुड़ा को माने साधारणतः पिला माने प्रॉब्लम आसिला माने एग्जाम रे से गुड़ा को देखिके डरी जाते तो फिजिक्स रे डरिवार किछ नाही जदि प्रॉब्लम आमर आसुची तो फर्स्ट आमे से क्वांटिटी गुड़ा को रहुची फिजिक्स रे डिफरेंट टाइप्स रो क्वांटिटी रहुची फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ओके फोर्स वर्क एनर्जी हीट टाइम ओके टाइम इस एक्सिलेरेशन एमती डिफरेंट टाइप्स रो जो फिजिकल क्वांटिटी रहुची फर्स्ट ताकु कौन आमे करिबा सिंबोलिकली ताकु आमे आइडेंटिफाई करिबा जे कोनो से प्रॉब्लम दो जहाँ भी दो क्वेश्चन पढ़ी के आमे फर्स्ट ताकु सिंबोलिकली आइडिया करिबा सिंबोलिकली तार कौन रिप्रेजेंटेशन आम लिखी सारापर फिजिक्स किसी फर्मूला रहे माने जो फर्मूला गुड़ाक द्वारा कि आम जेकोसी गोटे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करिपारिबा फॉर एग्जांपल तुमर देला वेलोसिटी वी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम माने एटा कौन तार अर्थ डिस्प्लेस वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट माने ds by dt ओके वेलोसिटी v इक्वल टू ds by dt माने कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट मीन्स टाइम माने केते टाइम रे केते डिस्प्लेसमेंट कवर करुचे सेटा होची तमरा वेलोसिटी तो तुमको मन कर सपोज दे दीची वेलोसिटी टाइम दे दीची डिस्प्लेसमेंट ता तुम आइडेंटिफाई करियार होची तो तुम्हें सिंबोलिकली रिप्रेजेंट कर सारापर तुम इजिली
फाइंड आउट करि पारिबो को क्वांटिटी रा तमु से पचारि से सेटा पुट करके तमे बाहर करि पारिबो। तो एबे आमे जानिबा अच्छा फिजिक्स रे केतरा पर्टिकुलर फोर्स रहिछ सब कौन कौन फोर्स रहिछ ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स एमती डिफरेंट टाइप्स रो फोर्स गुड़ाक रही। तो फर्स्ट आम जानवा ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ओके अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स कौन ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब गुड़ाक गोटे गोटे यूनिट अच्छी किंतु जेहेतु तुम यूनिट वन रे फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट माने फिजिकल वर्ल्ड कहा को नहीं कि तैयारी फिजिक्स कहा कहा को नहीं कि तैयारी माने मुझे कहली फोर्स एनर्जी डिफरेंट टाइप्स लॉस ए सब कुड़ा लॉ डिफरेंट टाइप लॉ फॉर एग्जांपल लेंस लॉ फैराडेस लॉ न्यूटन्स लॉ है ना ये सब लॉ गुड़ा को नहीं कि तुम फिजिक्स तैयारी। तो तुमको फर्स्ट चारिटा फंडामेंटल फोर्सेस जोटा रोचे ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स सेटा पुनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से गुड़ाक विषय किसी किसी आइडिया देदेवि तापर आम यूनिट वाइज कवर करवा। तो यहाँ रहा तुम ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स माने जो फोर्स गुड़ाक एपियर करिबो ड्यू टू ग्रेविटी बाय एक्सचेंज ऑफ स्मॉल पार्टिकल ग्रेविटी रो स्मॉल पार्टिकल होची ग्रेविटॉन ग्रेविटी रो स्मॉल पार्टिकल होची ग्रेविटॉन जो फोर्स टा तमरो एपियर करिबो ड्यू टू द फोर्स बाय एप्लीकेशन और बाय ट्रांसफर ऑफ स्मॉल पार्टिकल एलिमेंटरी पार्टिकल एज ग्रेविटॉन दैट इज नोन एज और मेजन मेजन माने आमर फंडामेंटल पार्टिकल्स किछ रहुची जेमती बेरियन रे तमर आसीबो प्रोटोन न्यूट्रॉन सेमती मेजन फंडामेंटल पार्टिकल आसीबो पाई मेजन इटा मेजन के मेजन एगुडा कहौची मेजन पार्टिकल्स। जदि ग्रेविटेशनल फोर्स गोटे जगार एपियर होउची बोली आमे कहिबा दैट इज ड्यू टू ओनली ग्रेविटी। तो ताको केमती आम एक्सप्लेन करिबा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर दिस इज ओनली टेक्स प्लेस बाय पासेज ऑफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल एज ग्रेविटॉन ओके okay, ये देखिए आमर दीटा मास रही गोटे एम वन आ गोटे एम टू माने जो फर्मूलाटा रहा यामको घोषा दरकार ना यामें इजिली कहीपर केमीपर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एफ्टा केमती आम डिस्क्राइब करवा आम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पार्टिकल्स एम वन इज ए पार्टिकल एम टू इज ए पार्टिकल then m1 is mass of particle 1 m2 is mass of particle 2 though f is the force of attraction or repulsion between two masses of particles having masses m1 and m2 and which is equal to the product of two masses m1 and m2 directly proportional to product of masses m1 and m2 and inversely proportional to square of distance between them. That means suppose this is a particle, okay, suppose this is a particle, this is another particle, this is m1, okay, this is m2. If there are two body there will be a force. Either it may be repulsion or it may be attraction. से मैंने परस्पर को आकर्षण करि परंती बा विकर्षण करि परंती सेथरे किछ नै किंतु से मानन को भितरे किछ गोटे फोर्स निहाती रहिबो।
जो फोर्स टाको आमे एक्सप्लेन करुचे एफ आकार एटा होचे ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके एफ इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एम वन एंड एफ टू एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. माने सपोज ए दुटा भितर डिस्टेंस आमर रहिला आर. ओके तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एंड एम टू. तो आम लिखिद एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो जिते बाय कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. ओके देन एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. देर विल बी अ क्वेश्चन व्हाट इज जी. दैट जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट जी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके देन ग्रेविटेशनल फोर्स कवर हला. एबे आमे जानिबा आउ गोटे इंपोर्टेंट फोर्स जोटा कि रहुची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रो मीन्स कौन. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल फोर्स विच अपीयर बाय ए स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके लेटर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड ईयर. ओके then this is another force that is known as magnetic force that also represented by a quantity that is B that is known as magnetic field. whenever these two forces electric force and magnetic force both are combined with each other they produce electromagnetic force which also play very important role in physics. this play very important role in quantum physics. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स आउ मैग्नेटिक फोर्स जितेबले मिसिबे पार्टिकल एंटी पार्टिकल हे से माने कोन करिवे गुटे इंपोर्टेंट फोर्स देबे जोटा के कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. माने फॉर एग्जांपल आम पढ़ीथिबा 10th रे एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आगो को सेकेंड इयर भी पढ़ा ये जिनसटा एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. कुलम्स ल जोटा कि आम पढ़ीचे यहाँ हूँ तुम इलेक्ट्रिक फोर्स. सेमती तुम मैग्नेटिक फोर्स रोचे फॉर एग्जांपल से मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू सेमती तुम गोटे कन्स्टेंट फॉर एग्जांपल जहाँ भी तुम कन्स्टेंट नहीं पार सपोज मु के ही नेली एम वन एम टू. एम वन एम टू मीन्स एम वन एम टू मीन्स टू पोल. टू पोल्स मैंने गोटे मैग्नेट. मैग्नेट मैंने जाच समस्ते चुंबक मैग्नेट्र दुटा पोल रोचे नॉर्थ पोल साउथ पोल. सपोज गोटे पोल को तुम एम वन इंडिकेट कर पोल स्ट्रेंथ जोटा कह एम टू आउ गोटे पोल रोल स्ट्रेंथ. सो जो दुटा फोर्स रोच तुम एम वन एम टू दुटा पोल लगे जो तुम मैग्नेट्रे जो फोर्सटा तुम एपिअर करुच्छे से फोर्सटा हूँ तुम मैग्नेटिक फोर्स. माने इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दुटा मिसिले तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरे जोटा कि फिजिक्स रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करापर तुम आउ गोटे फोर्स रोच न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स मान कौन तुम जाच सबुठ स्मल एलिमेंट. सबुठ स्मल एलिमेंट गोटे अब्जेक्टर बा गोटे सब्सटेन्स रहा हूँ एटम. ओके एटम ए एटम भितर भी न्यूक्लियस रोचे से न्यूक्लियस क्या क्या नहीं कि प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन.
दुटा को नहीं तैयारी गोटे उठे प्रोटोन आ गए हूँ न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस चारिपट कौन इलेक्ट्रॉन बुलू था यहाँ सपोज न्यूक्लियस या चारिपट कौन हो सब बेले इलेक्ट्रॉन गुड़ाक बुल थे तो ये जो फोर्सटा एपियर करुचे ड्यू टू न्यूक्लियस सेटा को कहा हूँ आमर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स पुणी दि प्रकार न्यूक्लियर फोर्स ओके न्यूक्लियर फोर्स पुणी आमर दि प्रकार रोच कौन कौन गोटे हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ गए हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना गोटे हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ गए हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सटा आमर रोचे यहाँ कौन पर एपियर हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जोटा एपियर होटा हूँ गोटे अट्रैक्टिव फोर्स गोटे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हूँ गोटे अट्रैक्टिव फोर्स एटा आमर जनरली एपियर हुए यहाँ हूँ गोटे शॉर्ट रेंज फोर्स यहाँ हूँ शॉर्ट रेंज स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल रेंज रे ही ए फोर्सटा आमर एपियर कर गोटे हूँ शॉर्ट रेंज फोर्स एटा यार प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रो प्रॉपर्टी गुडा कहूँ यहाँ हूँ गोटे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ओके सेमती तुमर वीक न्यूक्लियर फोर्स रे व्हेन एवर द न्यूक्लियर फोर्स एपियर इनसाइड एन आटम दैट प्रोड्यूस सम टाइप्स ऑफ फोर्स दैट फोर्स इज जनरली वीक इन नेचर दैट एपियर ड्यू टू स्ट्रेंज पार्टिकल दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रेंज पार्टिकल विषय आम हायर क्लासेस रे पढ़ा एवं तुमको दरकार ना मु खाली ये कहीं कहली आमर मोस्ट इम्पोर्टाट चारिटा फोर्स रोचे कौन कौन से ही इम्पोर्टाट आम फिजिकल वर्ल्ड रे जानवा गोटे हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स गोटे हूँ आमर ग्राविटेशनल फोर्स आउ गोटे हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सब गुड़ाक विषय पढ़ा आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर ओके ये चारिटा फोर्स आमर रहुछि या परे आमे जानिबा एनर्जी कौन सेटा भी आमर फिजिकल वर्ल्ड रे ही रहुछि एनर्जी रे रहुछि लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी हीट एनर्जी एमती डिफरेंट टाइप्स रो एनर्जी रहुछि जो गुड़ाक विषय कि आम फिजिक्स रे पढ़ा सेटा होची आमर एनर्जी। सपोज आम गोटे फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन करिबा एज वर्क ए फिजिकल क्वांटिटी व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी व्हाट इज क्वांटिटी क्वांटिटी माने जेकोसी गोटे फिजिकल फेनोमेनन हो नेचुरल फेनोमेनन हो जहाँ भी हो आम ताको किछि गोटे मेजरमेंट रे आमे ताको एक्सप्लेन करिबा क्वांटिटी माने सपोज मु किछि गोटे जिनस रखिछि तुम पाखरे केते क्वांटिटी रो जिनस अछि क्वांटिटी माने परिमाण जहाँ को भी आमे कहूँ माने वर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी माने वर्क होजे गोटे फिजिकल क्वांटिटी जोटा कि तुमर केते परिमाणर फोर्स अप्लाई हेले से वर्कटा तुमर होजे केते परिमाणर फोर्स अप्लाई करले वर्कटा होजे सेटा हूँ तुम फिजिकल क्वांटिटी जेकोसी फिजिकल क्वांटिटी तुम नब फिजिक्स को जो क्वांटिटी बा जो परिमाण बा जो माप एक्सप्लेन करुचे सेटा हूँ तुम फिजिकल क्वांटिटी ये जो फिजिकल क्वांटिटी गुड़ाक जहाँ भी आम
ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ, ତମେ କହିବ ଏସବୁ ଫିଜିକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ଆମର ନେଚୁରାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କି, ତ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା? ଏସବୁ ଆମର ନେଚୁରାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଏ ଏକ୍ସରେ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଏକ୍ସରେ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଏଇ ଏକ୍ସରେ ବି ଫିଜିକ୍ସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରେ ଦ୍ୱାରା। ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରେ ମାନେ ସପୋଜ୍ କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକେଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଭ୍ କରେ, କିଛି ଏମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି କ'ଣ ସେ ରେଡ଼ିଏଟ୍ କରେ। ରେଡ଼ିଏଟ୍ କରେ ମାନେ ଛାଡ଼େ, ସେ ଯେଉଁ ଏମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ସେ ଛାଡ଼ୁଛି, କେଉଁଟା ଆଲଫା ପାର୍ଟିକେଲ, କେଉଁଟା ବିଟା ପାର୍ଟିକେଲ, କେଉଁଟା ଗାମା ପାର୍ଟିକେଲ, କେଉଁଟା ଏକ୍ସ ରେ, ଏମିତି ରେ ଆକାରରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସରେ। ଏକ୍ସରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆମେ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଇ ଯେଉଁ ୱେଭ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହାୟର୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ପଢ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ ପଢ଼ିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ କି ହାୟର୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସରେ ସେ କହୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ କ'ଣ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛି, ସେ ୱେଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା କଥା ହେଉଛେ ଯାହା ବି। ସେକେଣ୍ଡ, ସେଟାର ୱାଇଡ଼୍ ୟୁଜ୍। ଥାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ମେକାନିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଫିଜିକ୍ସରେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେସିନାରୀ ପାର୍ଟସ୍ ଚାଲୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେସିନାରୀ ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ତାକୁ ୱାଇଡ଼୍ଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରହୁଛି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ରହୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକର ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତୁମର ରହୁଛି ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛେ, ନର୍ମାଲି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ସେଇଟା ହିଁ ଫିଜିକ୍ସ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛେ, ବସିଛେ, ବସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ରେଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ହଠାତ୍ ବସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ଆମେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ୁଛେ, ତ ସେଇଟା ବି ଫିଜିକ୍ସ। ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ମନେକର ମୋସନ୍ରେ ଅଛେ, ହଠାତ୍ ବସ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ୁଛେ, ତ ସେଇଟା ବି ଆମର ଫିଜିକ୍ସ। ସେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ସପୋଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟା ସ୍ଲୋ ହେଲା, ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଠି ବି ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ମାନେ ଆମେ କିଛି ଦୂର ଦୌଡ଼ିବା ତାପରେ ଷ୍ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିବା, କାହିଁକି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ମୋସନ୍ରେ ଥାଉଛେ। ତ ସବୁ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ସେଇଟା ଫିଜିକ୍ସ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଫିଜିକ୍ସଟା ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଜାଣୁଛେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଫିଜିକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ୱାଇଡ଼୍ଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଏଠି ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଲା ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଓକେ, ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଓଭରାଲି ଫିଜିକ୍ସ କ'ଣ, ଫିଜିକ୍ସର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫୋର୍ସ ପଢ଼ୁଛେ, ଏନର୍ଜି ପଢ଼ୁଛେ, ୱାର୍କ ପଢ଼ୁଛେ, ଲସ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ଲସ୍ ପଢ଼ୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତୁମର ଫିଜିକ୍ସ। ଫୋର୍ସ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଫୋର୍ସ ରହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଉଛି ତୁମର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରେ ରହୁଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ। ମେଜରମେଣ୍ଟ ମିନିଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛେ କି ଜାଣୁଛେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମେଜର କରୁଛେ, ବିନା ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି କହିବା, ଆମର ଟୋଟାଲ କ୍ଲିଅରଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ କି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ, କେବେ ବି ଆସିବନି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ହାଇଟ୍ ଅଛି,
केते हाइट अच्छी केते हाइट जोटा अच्छी जोटा एक्सप्लेन करुचे सेटा ही मेजरमेंट मु वेट अच्छी मु वेट अच्छी मु वेट अच्छी कहले किए कौन किसी बुझीपर ना किंतु जदि आम कह 50 केजी वेट अच्छी तो जनकर क्लीयर आईडिया आसीजीव जे तार ओजनटा केते तो से सब जिनस माने एक्यूरेट गोटे जिनस उपरे आमे एक्यूरेटली जानिबा को आमे कौन कहुचे मेजरमेंट कहुचे। अच्छा जदि आमे मेजरमेंट पढ़ीबा कि मेजरमेंट विषय रे जानिबा से मेजरमेंट पाई भी किछ जिनस दरकार से मेजरमेंट पाई भी आमर किछ जिनस दरकार कौन कौन से जिनस दरकार आ जदि जणे बिना मेजरमेंट रे किछ गोटे नेचुरल फेनोमेनन को से एक्सप्लेन करुचे मु फिजिक्स पढ़ुची बोली कहले सेटा भी किछ भी तार वैल्यू नाही। फिजिक्स मीन्स देर विल बी मस्ट ए क्लियर पिक्चर ऑफ मेजरमेंट माने फिजिक्स जदि तुम पढ़ुच फिजिक्स सेतबेले जानिचो बोली कहाबो जदि तुम तार क्लियर मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटली थियोरिटिकली तुम्हें किसी गोटे क्लीअरली एक्सप्लेन करुच फिजिकल फेनोमेनन को फिजिकल जिनस को कि जेकोसी ऑब्जेक्ट को तो से आमको मेजरमेंट निहाती जरूरी फिजिक्स पढ़ुचे मैंने आमको मेजरमेंट निहाती जरूरी तो से मेजरमेंट पाई बोली सेकेंड टॉपिक हूँ तुम्हार मेजरमेंट ओके ए मेजरमेंट पाई बोली आमको जानिबा को पड़िबो कौन यूनिट कौन जानिबा को पड़िबो यूनिट। अच्छा यूनिट माने कौन यूनिट माने होची किछ उटे स्टैंडर्ड वैल्यू रहुची माने आमे जेतेबेले कंपेयर करुचे सपोज मु कहिबे से मोटा कहा तुलना रे मोटा कहा को गोटे तो कंपेयर करके कहिबे से मोटा अछि तो जहाँ को मु कंपेयर करके कहूँ से मु कौन कली स्टैंडर्ड नेली कौन नेली स्टैंडर्ड नेली सेमती जिते बड़े भी मु कहबी कि गोटे एक्सप्लेन करी माने मु 50 केजी अच्छी ये मुझा को नेली केजीटा मुझा को नेली माने स्टैंडर्ड करी केजी को मु स्टैंडर्ड करके नेली माने गोटे 1 केजी सहित मु 50 केजी रो कंपैरिजन कली बा मु सपोज 10 मीटर रास्ता अतिक्रम कली 10 मीटर रास्ता अतिक्रम कली माने 1 मीटर सहित मु जेतिक रास्ता अतिक्रम कली ताकू कंपेयर कला बेलू मु 10 मीटर रास्ता गली जेकोसी गोटे स्टैंडर्ड जिनस को जदि आम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने से स्टैंडर्ड जिनस सहित जदि आम कंपेयर करवा कौन कह आम यूनिट ताकू कौन कह यूनिट तुम्हारो यूनिट रहुची ए मेजरमेंट पाई आमको कौन दरकार यूनिट दरकार यूनिट रहुची फंडामेंटल यूनिट डिराइव्ड यूनिट कौन कौन यूनिट रहुची आमर फंडामेंटल यूनिट डिराइव्ड यूनिट ओके फंडामेंटल यूनिट माने किछ गोटे यूनिट रहुची जोटा कि कहा उपरे भी डिपेंड करूनी बा सही यूनिट को एक्सप्लेन करिया पाई बा सही फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करिया पाई आमको कहा उपरे डिपेंड करिया को पड़ू फिजिकल क्वांटिटी जोटा रहुची तुम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माने सपोज लेंथ माने लेंथ को मु 5 किलोमीटर रास्ता गली 5 किलोमीटर को एक्सप्लेन करिया पाई मते कहा उपरे डिपेंड करिया को पड़ू कि 5 किलोमीटर किंतु जदि मु गोटे सपोज मु केते बेगरे गली केते बेगरे गली एक्सप्लेन करिया पाई मते कहा का उपरे डिपेंड करिया पड़ू माने केते टाइम रे मु केते डिस्टेंस गली सेटा मोर बेग केते टाइम रे मु केते डिस्टेंस गली सेटा होची मोर बेग माने बेग को एक्सप्लेन करिबा पाई मते दीटा क्वांटिटी उपरे डिपेंड करिया को पड़ला गोटे होची टाइम आउट होची डिस्टेंस किंतु डिस्टेंस को एक्सप्लेन करिया पाई मते कहा उपरे डिपेंड करिया को पड़लानी तो जो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करिबा पाई आमको कहा उपरे डिपेंड करिया को पड़ूनी सेटा इंडिपेंडेंटली निजो को निजे एक्सप्रेस करुची सही क्वांटिटी को आमे कहिबा फंडामेंटल क्वांटिटी किंतु जो क्वांटिटी को एक्सप्लेन करिबा पाई आमको फंडामेंटल क्वांटिटी रो सहाय्य दरकार ताकू आमे कहबा डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव माने फंडामेंटल रो जोटा आमे डिराइव करुचे बाहर करुचे सही जिनसटा को आमे कहचे डिराइव क्वांटिटी।
अच्छा हेले ए जो फंडामेंटल क्वांटिटी रहुचे जे हेले भी भाबिबो फंडामेंटल क्वांटिटी रे कोन कोन रहिबो फंडामेंटल जनरली कोन कोन रहिबो फंडामेंटल क्वांटिटी रे रहिबो लेंथ लेंथ माने केते रास्ता अतिक्रम कलो केते लंबा लेंथ लेंथ टाइम आउ कोन मास लेंथ टाइम मास ए तीनटा होची हमरा फंडामेंटल क्वांटिटी आउ ए तीनटा क्वांटिटी को यूज करके आमे जे कोनसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करि परबा जोटा कि आमे कोन कहूचे डिराइव्ड क्वांटिटी तो आज आमे कोन कोन पढ़िले फिजिकल वर्ल्ड यूनिट 1 रे जोटा रहूचे हमरा फिजिकल वर्ल्ड तापरे रहिला मेजरमेंट मेजरमेंट कोन मु कहि देछि मेजरमेंट को आमर मेजरमेंट विषय जानवापी यूनिट दरकार जो यूनिट को आमे दीटा पार्ट रे डिवाइड करचे गोटे हूँ फंडामेंटल यूनिट आउ गोटे हूँ डिराइव यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी ताकू नहीं कि आमे यूनिट्स विषय पढ़िबा कौन कौन से यूनिट्स अच्छी ताकू आमे केमती एक्सप्लेन करिबा ताद्वारा को फिजिकल क्वांटिटी केमती आमे एक्सप्लेन करिबा तापर पढ़िबा आउ गोटे नुआ जिनस जोटा कि डायमेंशन आजपाई एतिके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास रे मु आपन को यूनिट आउ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को केमती एक्सप्लेन करा हबो डायमेंशन कौन से सब विषय कहूँ।